मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को आज सुंदर कांड का सातवां भाग सुनाने जा रहा हूँ। आइए सुनाते हैं। पूछ बुझाई खोई सम धरि रघुरूप बहोरी, अरे जनक सुता के आगे ठाढ़ भयऊ करी जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और पुनः छोटा सा रूप धारण कर वे श्री जानकी जी के सम्मुख हाथ जोड़कर हनुमान जी खड़े हो गए। कहते मां तुम ओहि दीजे कचुचीना, अजय से रघुनायक मोहि दीना। चूड़ा मणि उतारी तब दहूं, अहर्ष समेत पवन सुत लहूं। और बोले हनुमान जी, हे माता मोई मुझे कोई चिन्ह दीजिए, जैसे श्री रामचंद्र जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर और प्रसन्नता पूर्वक हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी चूड़ामणि हाथ में ले लिए। अरे कहूं तात अस मोर प्रणामा, असब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरध संभारी, अहरौ नाथ मम संकट भारी। तब सीता जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करके कहना कि हे प्रभु, यदि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है तथापि दुखियों पर दया करना और याद करके मेरे भारी संकट को शीघ्र ही दूर कर देना। हे हनुमान, प्रभु श्री राम प्रभु से हमारा यही संदेश सुना देना। अरे तात सक्र सुत कथा सुनायहुं, अबान प्रताप प्रभु समुझायहुं। मास दिवस महु नाथ नयावा, अतो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात उन्हें जयंत की घटना सुनाना तथा उनके वाण का प्रताप स्मरण कराना। यदि महीने भर में वे ना आए तुम्हें जीवित नहीं पाएंगे। हे हनुमान ऐसा प्रभु से संदेश कह देना। अरे कहूं कपि के ही विधि राखूं प्राणा, अत तुम तात कह अब ज जाना। अह तो ही देखी शीतल भई छाती, अपुनि मो कहूं सो दिन सो राती। हे हनुमान जी कहो कैसे जीवित रहा हूं, तुम भी अब जाने को कह रहे हो और तुम्हें देखकर छाती शीतल होती थी। मेरे लिए तो फिर वही दिन और वही रात है। अरे जनक सुतहिं समुझाई करी, बहु विधि धीरज दीन। अचरण कमल सिर नाई कपि, गवन राम पैकीन। हनुमान जी ने जानकी जी की तरफ तरह तरह से समझा बुझा करके धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर झुकाकर श्री राम जी के पास हनुमान जी वापस लौट आए। अरे चलते महाधुन गर जस भारी, गर्भ स्रव सुनि निश्चर नारी। नाहि सिंधु यही पारही आवा, असब किल किला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने भारी गर्जना की हनुमान जी ने, जिसे सुन करके राक्षसों के की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और तब उन्होंने बानरों को हर्ष ध्वनि सुनाई। अरे हर से सब बिलो की हनुमाना,
हनुतन जन्म कपिन तब जाना। हर मुख प्रसन्न तब देज विराजा, अकीन श्री राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी को आया देखकर सब प्रसन्न हो गए सभी बानरी सेना। बानरों ने उसे उन्हें अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न था और शरीर में तेज विराजमान था, जिससे सब समझ गए कि वे श्री रामचंद्र जी का कार्य कराए हैं। सभी बानरी सेना को पता हो गया हनुमान जी को प्रसन्न देखकर कि वह सभी कार्य को संपन्न कराए हैं। अर मिले सकल अति भये सुखारी, अतल पत मीन पाव जिमि बारी। चलो हरसि रघुनायक पासा, अपोचत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और इतने सुखी हुए मानो तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। प्रसन्न होकर तब नए नए वृतांत पूछते हुए सब श्री रघुनाथ जी के पास चल पड़े। अरे तब बंधु तब मधुबन भीतर सब आए, अयंगत में सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बर जन लागे, अमुष्टि प्रहार हनन तब भागे। तब मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से और सबने मधु और फल खाए। तब रखवाले उन्हें डांटने लगे तो घूसों की मार करते ही सब रखवाले दौड़ गए। अर जाय पुकारे ते सब बन उजार जुवराज, असुन सो ग्रेव हरस कपि करियाए प्रभु काज। सबने जाकर के पुकारा कि जुवराज यंगत बन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। अरे जो न होती सीता सुध पाई, हम मधुबन के फल सकहीं की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी का समाचार ना मिला होता तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर वहां आ पहुंचे। अरे आई सबिन नावा पद सीसा, अमिलउ सबिन अति प्रेम कपीसा। पूछिए कुशल कुशल पद देखी, अराम कृपा भाकाजु बिषेकी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव भी सबसे अत्यंत प्रेम पूर्वक मिले। उन्होंने कुशल पूछी तो बानरों ने कहा कि आपके चरणों में दर्शन से सब कुशल है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से कार्य विशेष सफल प्राप्त हुआ है। अरे नाथ काज कीन हनुमाना, राखौ सकल कपिन कै प्राणा। सोने सो ग्रेव बहुरित मिलऊ, अकी कपिन सहित रघुपति पे चलऊ। हे स्वामी, हनुमान जी ने यह सारा विलक्षण कार्य अकेले ही पूरा किया और हम बानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव हनुमान जी से पुनः मिले और सब बानरों सहित श्री हनुमान जी ने के पास चल दिए। अरे राम कपिन तब आवत देखा, अकिए काज मन हरस बिसेखा। अफटिक शिला बैठे दो भाई, अपरे सकल कपिचर नहीं जाई। श्री रामचंद्र जी ने जपानों को कार्य किए हुए आते देखा तब वो अपने मन में प्रसन्न हुए और दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे कि सारे बानर जाकर उनके चरणों में सिर निवाकर गिर पड़े। हर प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज, अपूछे कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। सारी बानरी सेना भगवान के चरणों में अपने सिर झुका करके हर दया की राशि रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और उनकी कुशल पूछी। बानर बोले, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाकर सब कुशल है। अरे जामवंत कह सुन हनुमाना,
अजा पर नाथ करहु तुम दाया। अरजा मवंत कह सुन रघुराया, अजा पर नाथ करहु तुम दाया। अताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत बोले, हे रघुनाथ जी, जिस प्रकार जिस पर आपकी दया हो उसका सदा कल्याण ही होता है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। हे भगवन, जिस पर आपकी कृपा होती है। अर सोई विजयी बिनई गुण सागर, अता सुसु जस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, अजन्म हमार सुफल भायाजो। वही विजयी है, वही विजयी है, वही गुणवा गुणों का समुद्र बन जाता है, उसी का जस तीनों लोकों में प्रकाशमान होता है। प्रभु की कृपा से सब काम हो गया और हमारा जन्म सफल हो गया। जिस पर भगवान आपकी कृपा होती है उसका कार्य हमेशा सिद्ध होते हैं। अरे नाथ पवन सुत की नहीं सो करनी, असहस बाहु मुख जाई सो भरनी। अपवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपत ही सुनाए। काहे नाथ पवन पुत्र ने जो किया उसका हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए।